हाय गाइस, वेलकम टू क्वेश्चन बैंक क्राफ्ट। आज के वीडियो में मैं आपको लड्डू गोपाल जी के लिए डफली बनाना दिखाऊंगी। तो ये जो आपको स्क्रीन पर एक डफली का डिज़ाइन शो हो रहा है, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बनाना देखा था, जिसके लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूंगी, सो डू चेक दैट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज भी हम एक डफली ही बनाने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमने एक कंटेनर का कैप ले लिया है। इस तरीके के कैप्स हमारे घर में ईजिली अवेलेबल होते हैं। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे अक्रेलिक पेंट। सबसे पहले हम ले रहे हैं वाइट कलर का अक्रेलिक पेंट और उसके थ्रू हम कुछ इस तरीके से इसके टॉप पर कम्प्लीटली पेंट करेंगे। गाइस, जो शुरू में मैंने आपको डफली दिखाई थी, उसके लिए हमने ग्लिटर शीट, कार्डबोर्ड, इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ किया था। बनाने में बहुत ईजी है और बहुत ही यूनिक आइडिया है। लिंक्स मैं अगेन आपको बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। तो देखिए, वाइट पेंट हमने यहाँ कर लिया है। अब इसके साथ मैं कॉम्बो ले रही हूँ ऑरेंज का। तो जो इसका कॉर्नर वाला पार्ट है, यहाँ पे हम ऑरेंज पेंट करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। गाइस, होली के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लड्डू गोपाल के मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, एंड उसकी एक प्लेलिस्ट हमने अलग से कस्टमाइज की हुई है, जिसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी। तो देखिए, कॉर्नर्स पे पेंट हो गया है। अब हम इसके सेंटर पर एक गोला बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से। हमें पेंट से ही इसको डिजाइन करना है। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पे हमारा पेंट का वर्क जो है कंप्लीट हो गया है। मैंने इसको ड्राई होने के लिए रख दिया था, अब ये ड्राई हो गया है। और अब हम इसके कॉर्नर्स पे अटैच करेंगे व्हाइट कलर के बीज। यहाँ पर पेस्टिंग वर्क के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ग्लूगन का। आप चाहें तो फेवी बॉन्ड या फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि आप ग्लूगन का यूज़ करते हैं मोस्टली, तो क्या हम फेविकॉल का यूज़ कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। फेविकॉल से पेस्टिंग बहुत ज़्यादा मजबूत तरीके से होती है, बस थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। देखिए कुछ इस तरीके से हमें बीड्स को लगाना है पूरे राउंड के कॉर्नर्स पे। और ये देखिए कैसे चुटकियों में हमारी डफली बन के बिल्कुल तैयार है। ये हमने ऑरेंज एंड वाइट कॉम्बो में बनाई है। और मेरे पास एक और डिज़ाइन है, ये हमने ब्लू एंड वाइट कॉम्बिनेशन में रेडी की है, ये भी बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो गाइज, आपको इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सी लगी, कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। इस वीडियो के लिए एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ कान्हा जी से जुड़े वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।